ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। ते मई दे महीने विच पारा वधना शुरू हो जांदा, पर इस साल मई दे महीने विच पई गर्मी ने पिछले 5 सालां दा रिकॉर्ड तोड़ दिता। इस हफ्ते विच पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। आने वाले दिनों विच भी गर्मी तो राहत मिलन दी कोई उम्मीद नहीं है ते पारा 45 डिग्री दे नेड़े ही रहेगा। अज जिहड़े दो तीन दिन पहला सीगे वी उदों बहुत ज्यादा ठंडा मौसम सीगा, यानी कि वधिया बदल वगैरह सीगे, ठंड महसूस करदे सी जिहड़े लोग सीगे, घरां दे विचों बाहर अंदर आउंदे सीगे। अज का जो मौसम है एकदम अज इन्नी कु ज़्यादा गर्मी हो गई है कि लोग जोड़े घरों बहर आए मूँह के उत्ते कपड़ा पा के आए, मूँह आपका ढक के आए। मेरी उन्होंने वीरों को बेनती है भी वह तो वह जिदा कि पानी वगैरह पीन, जिहड़ा कि पानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यी अपनी मात्रा पूरी होनी चाहिए पानी की, गर्मी तो जिंद राहत मिल सकती है। तो अच्छ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मेरी वीर भैन भरावों को बेनती है कि वह तो जिन्ना भी हो सके गर्मी तो बचा जाए तो पानी वगैरह पीता जाए। बठिंडा शहर विच हुण लोकां नूं 10 रुपए विच सस्ता खाना मिलेगा। जिला प्रशासन वल्लों चुके गए इस कदम दा मकसद लोकां नूं भरपेट खाना मुहैया करवाउणा। कैप्टन सरकार ने चोणां तों पहलां जनता नाल 10 रुपए विच रोटी देण दा वादा कीता सी, जिस दे चलदे बठिंडा विच साडी रसोई खोली गई। साडी रसोई विच रोजाना 10 रुपए खर्च करके दोपहर 12 बजे तों 3 बजे तक खाना मिलना शुरू होवेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बठिंडा जी दे प्रधान जी दी अगुवाई हेठ रेड क्रॉस दिवस से कल 8 मई को बठिंडा विच पंजाब गवर्नमेंट के आदेशों अनुसार सस्ती रोटी स्कीम शुरू की गई है। बहुत ही वधिया प्रोग्राम रहा कल शुरुआत विच, ते काफ़ी तादाद विच बेनीफिशरीज ने सस्ती रोटी स्कीम का फायदा उठाया। इस स्कीम विच असी डब्बा बंद फ्रैश खाना जिदे विच 4 रोटियां ते 1 सीजनल सब्जी ओबलिक दाल अते अचार ओबलिक हरी मिर्च देने हाँ, जिदी कीमत 10 रुपए रखी गई है। हालांकि इसकी कॉस्ट जो आउटसोर्स करके असी लई है वो सानू 15 रुपए पै। ते गल करदे अमृतसर दी जिथे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन दी बैठक हुई। इस बैठक विच होटल इंडस्ट्री दीआं समस्यावां नूं लैके विचार वटांदरा कीता गया। इस मौके एसोसिएशन दे प्रधान ने कहा कि सरकार ने जिस तरह हाईवे ते शराब दी बंदी कीती हुई है उस नाल होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई है। मेन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का रीजन है जी कि जो नेशनल बॉडी है होटल एंड रेस्टोरेंट फेडरेशन की, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं सारे एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने के लिए मेरे ख्याल पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं, अमृतसर आ रहे हैं, उनको लेके हम आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी कंट्री की टूरिज्म पॉलिसीज बनाते हैं, होटलों में रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज का बेसिकली मुद्दा था उन सबको यहाँ ला के लेके आए हैं, और पंजाब की जो लोकल एसोसिएशंस ने यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स बताई हैं उनको गवर्नमेंट के सामने हाईलाइट करना, क्योंकि बीच में लिकर वैन भी आया हुआ है नया नया और उससे बड़े सारे होटल एंड रेस्टोरेंट अफेक्टेड हैं, तो उनको भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट से डिमांड सर, ये आपको एक प्रेस नोट दिया शुरू में बताया भी है, डिमांड GST को लेके है सर कि GST को आने वाला है, GST 1 जुलाई से लागू होने वाला है, आप इसको लोएस्ट स्लैब में रखो सर्विस इंडस्ट्री को। एक फिगर दी है कि आसपास की जो कंट्रीज हैं जहाँ पे GST लागू हुआ है वहाँ पे लोएस्ट टैब जो है 8% के साथ और 8% के आसपास है, तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमको लोएस्ट लैब में रखो आप। एक रिक्वेस्ट ये है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है जी कि इंडस्ट्री का स्टेटस आपने दिया हुआ है, बट सिर्फ कागजों में इंडस्ट्री का स्टेटस दिया हुआ है, ग्राउंड पर इंडस्ट्री के स्टेटस का कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो आप, चाहे वो इलेक्ट्रिक टेरिफ हो, चाहे हाउस एंड वाटर टैक्स हो। तो डिमांड ये करी गई है कि 96 से आपने होटल को, पंजाब ने होटल को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है, तो उसके बेनिफिट्स देने गवर्नमेंट शुरू करे। तीसरी डिमांड थी कि एयर कनेक्टिविटी, अमृतसर ऑलरेडी एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जो है वो पंजाब की साइड से अब खुल रहा है, लुधियाना को उड़ान स्कीम गवर्नमेंट की है उसमें जून से स्टार्ट किया जा रहा है। हमने रिक्वेस्ट ये किया कि उड़ान स्कीम का फ़ायदा उठाए स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी टाउन्स में भी जहाँ जहाँ आपके पास एयर स्ट्रिप्स हैं उसको उड़ान स्कीम में लाने के लिए प्रपोजल भेजे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को।
मानसा शहर की सुख शांति लई सनातन प्रचार समिति वालों दूजा महायज्ञ करवाया गया। इस महायज्ञ विच श्री हरिपाल जी लुधियाने वालियां वालों अपनी मंडली नाल श्री सुंदरकांड जी का पाठ का गुणगान किया गया। इस महायज्ञ विच श्री सालासर तो जोत अते प्रसाद लिया के संगतां विच वंडिया गया अते जोत दे दर्शन करवाए गए। शहर निवासियों के सहयोग नाल जी दूसरा विशाल सुंदरकांड महायज्ञ करवा रहे हैं। असी इस वास्ते सालासर तो जोत लेके आए हैं। सारे शहर ने जो जाती हुई जोत के रज रज के दर्शन किए जी और सालासर तो असी तिलक लेके आए हैं और सालासर तो असी प्रसाद लेके आए बाला जी का। सारे शहर निवासियों ने मत्थे से तिलक लवाया है और सारे शहर निवासियों श्रद्धा नाल सुंदरकांड का पाठ किया है। ये जी जोत है सालासर तो मंगाई गई है। सारे भक्तों ने इन्हें दर्शन किए तो बहुत खुश होए ने। तो जोड़ा संदूर है तिलक लगे सब के मथ्या उत्ते ये बाला जी तो मंगवाया गया है। असं सारे पूरे रज के बहुत ज़्यादा खुश हाँ। तो असं कहने महाजग हर एक साल हो पूरा भरवा हंगारा सारे मानसा वालों मिले। अस सारे वालों बहुत ज़्यादा खुश हाँ। अं रज रज के दर्शन करिए। हूँ जाते जाते एक नज़र हैडलाइनस से। दिल्ली तो बाद पंजाब टुटी आम आदमी पार्टी भगवंत मान नूं पंजाब दी वागडोर संभाउण ते विधायक सुखपाल खैरा ने दिता अस्तीफा। पंजाब दे स्कूलों में अध्यापकों के जीन टॉप पाउण ते रोकण वाले अफसर सस्पेंड। सिख्या मंत्री अरुणा चौधरी ने दिता हुक्म। बटाला विच धी ने कलयुगी प्यो के खिलाफ करवाया केस दर्ज। पिछले चार पांच महीनों तो हवस का बना रहा सी शिकार। उत्तर भारत में गर्मी ने तोड़े पिछले पांच साल के रिकॉर्ड। पंजाब दी कई थावां ते पारा पहुंचा 45 डिग्री तो पार। इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही। नवीं खबरों के फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई तुसीं बने रहो वन पंजाबी दे नाल। धन्यवाद।